मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एसएस सिनेन एकेडमी स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी वाणी के माध्यम से समाज में जागरूकता के संदेश भी दिए। एसएस चिल्ड्रन एकेडमी कांट रोड मुरादाबाद द्वारा इंटर हाउस अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, निदेशक सुनील अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल द्वारा प्रातः 9 बजे दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए आशीर्वचनों से विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल की भूमिका में सह निदेशक आदित्य अग्रवाल एवं एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल लाइन्स की वरिष्ठ अध्यापिका लुबना अंसारी रहे। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की चारों हाउस कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी एवं एटलांटा की टीमों ने भाग लिया। इस भाषण प्रतियोगिता का विषय स्ट्रेस कॉज्ड बाय द जॉब्स इन एमएनसीज इज द रीजन ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ सेडेटिव्स अल्कोहल स्मोकिंग अमंग द यंग। सभी प्रतिभागियों ने इस विषय में उत्कृष्ट तरीके से अपना वक्तव्य रखा, जिसकी सभी ने सराहना की। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार वर्तिका चौहान चैलेंजर हाउस, द्वितीय पुरस्कार पलक चौहान चैलेंजर हाउस, तृतीय पुरस्कार आशुतोष टंडन एटलांटा हाउस एवं आन्या विश्नोई चैलेंजर हाउस और सांतावना पुरस्कार रिति शर्मा को मिला। प्रतियोगिता का सफल संचालन हाउस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभ्रा सक्सेना द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का समापन प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल एवं दोनों निर्णायक सह निदेशक आदित्य अग्रवाल एवं लुबना अंसारी के सराहनीय आशीर्वचनों द्वारा किया गया। आज एसएस सिनेन एकेडमी कांट रोड पर इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें सभी हाउसेज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th। इसमें जो आज की युवा पीढ़ी बहुत स्ट्रेस है और जॉब्स के साथ साथ वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है कि वो अल्कोहल और सेडेटिव्स को यूज़ करने लगी है, इसी टॉपिक को लेकर हमने आज ये स्पीच करवाई है। और ये इस टाइप की स्पीच डिबेट या ग्रुप डिस्कशन कराने का मकसद हमारा मेन यही रहता है कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वो अपनी बात को लोगों के सामने रख सकें। एक माइक का फोबिया होता है, एक लोगों के सामने बोलने का एक जो डर होता है वो बच्चों के मन से निकल जाए, क्योंकि आगे चल के बच्चों को बहुत सारे इंटरव्यूज़ और फेस करने होंगे। जब भी वो आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जॉब्स के लिए निकलेंगे, तो वहाँ इंटरव्यू भी फेस करने पड़ेंगे, तो इन सब के लिए बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस टाइप के प्रोग्राम से। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम GD का कराएंगे।